देखें कितना प्यारा गुलाब है, इसका आकार, इसका रंग वास्तव में बहुत खूबसूरत है, बेहद सुंदर है। देखिए इसका पड़ोसी दो दो, एक और नया रंग गुलाब का, गुलाब ही गुलाबी है, गुलाबी गुलाब। इस रंग को क्या कहेंगे, इस रंग को ऑरेंज है। ये देखिए इनकी गार्डनर, देख पा रहे हैं आप, ये हमारे घर की नर्सरी, विभिन्न विभिन्न रंग के गुलदाउदी, ये टमाटर, गजेनिया, ये क्या है, लिली है। और ये देखिए इसको एक नया आकार दिया गया है, नए तरीके से इसको सजाया गया है, संवारा गया है। लटक रहे हैं इसके फूल, पत्ते थोड़े हल्के से मुरझाए हुए हैं क्योंकि दिन की धूप लगी है, बट वेरी ब्यूटीफुल। इसको हम क्या बात है, बड़े ब्यूटीफुल है। किसकी, नहीं किसी की जड़ नहीं कटी है, ऐसा गार्डनर नहीं हूँ मैं। देखिए ये सुंदर सुंदर डहेलिया और ये फूल मेहंदी, इसका क्या नाम था, बहुत बार से अब इसका नाम नहीं पता कर पा रहे, उस दिन नाम बताया था इसका, हाँ स्लैबिया, अरे वाह स्लैबिया, कैंडुला, कैंडुला ये थी गुल, ये क्या है, सालविया, हाँ सालविया है, तो सालविया, सालविया ये था, सालविया, हाँ स्लैबिया। ये क्या था, अरे तो गर्मी का पौधा है, जो गजब इसकी खुशबू होती है। ये रहा हमारा डहेलिया का एक और नया रंग, ये गुलाब अपने रंगत खो चुका है, बड़ा ही खूबसूरत था जब अकेले था ये। ये रहा डेंथस, एक और डेंथस, ऑल आप ब्यूटीफुल। देखिए ये बहुत ही बेहद खूबसूरत गुलदाउदी अपनी छटा बिखेर रहा है, देखिए हैंगिंग में लगा हुआ गुलदाउदी है, ये सुबह से शाम तक कई महीने तक बस अपने इसी रंग में रहता है, कमाल है ये, बहुत ही शानदार है। देखिए आप इसे, एक एक रंग खिला हुआ है ब्यूटीफुली, ये देखिए एक और नया रंग, करीब से दिखाता हूँ, ढेर सारे गुलदाउदी। ये हमारे हैंगिंग में लगा हुआ गुलदाउदी है, एक और कैरेनुला का नया रंग, ये बड़े ब्यूटीफुल कैंडुला, सुंदर सुंदर रंग। ये देखिए घूमा, लगभग लगभग हर एक रंग, ये देखिए इसका नाम है पिचुनिया, पूरी जाड़े से लेकर पूरे गर्मी तक यही एक पौधा है जो अपनी छटा, अपना रंग इतनी खूबसूरती से बिखेरता है। देखिए कितना ही खूबसूरती से, को बिल्कुल विदाउट मेंटेनेंस का, इसमें किसी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, बस ये खिल रहा होता है लगातार, पूरी शिद्दत के साथ खिलता है, पूरी मेहनत से खिलता है, अपनी मेहनत वसूल करा देता है। देखिए नीचे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, अभी ये और बड़ा हो जाएगा, अभी कुछ दिन बारिश में इसके साथ थोड़ा अन्याय हो गया है, कुछ इसकी कलियाँ टूट गई, इतनी बारिश हुई 4-5 दिन, लेकिन अब इसकी हालत लगभग स्थिर हो गई है, अब काफ़ी कुछ बदल रहा है धीरे धीरे, बेहद खूबसूरत है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से आपको मैं अपने घर में लगे पिटूनिया को दिखा पा रहा हूँ आपको, और ये एक पूरी, ये नीचे की एक रो है, फिर इसके बाद ये ऊपर की रो है, और सबसे ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर खिला हुआ गुलदाउदी जो भी हमने आपको दिखाया, ये सामने पीपल का वृक्ष हमारे घर के पास, बहुत ही खूबसूरत पिटूनिया है, हर जगह से बनता है जी। देखिए एक ब्यूटीफुल कलर इस पिटूनिया का, अब इसमें ज़्यादा फूल लगे थे लेकिन अभी फूल अचानक कम हो गए, उसकी वजह रही कि इधर बारिश बहुत हुई, हर पौधा भी अपने मौसम से अफेक्टेड होता है। देखिए खूबसूरत रेड कलर का ये पिटूनिया है, एकदम प्योर रेड भी है हमारे पास, एक ये बिल्कुल प्योर रेड, बाकी और डिफरेंट डिफरेंट कलर, ढेर सारी कलियाँ भी लगी हुई हैं अभी,
और ये अपने रंग और अपने शबाब में महीने 15 दिन में खूब आएगा और ढेर ढेर सारे फूल इसमें खिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।